इस गर्दू में हर तरफ आपको खुबानी एप्रिकॉट के दरख्त मिलेंगे। ये पीछे एप्पल है, इधर ये खुबानी है, एप्रिकॉट भी मिलेंगे। तरकारी बरकारी बनाते हैं। अच्छा तरकारी। हाँ, बालू भी लगाते हैं। हाँ वो सब होती है। सही है। बाकी जी ये खाने वाले नहीं है, खाने वाले वो सामने वाला है, वो बच्चे जो ठीक है ठीक है। ये देखें यहाँ पर हम लोग सेब और खुबानी को किस तरह तरसते हैं अपने सिटीज के अंदर। यहाँ पर ये देखें, मुझे भी पूरा का पूरा बंच। ओह क्या बात है, खाने के बाद इनका दिमाग भी थोड़ा सा घूम गया। और बहुत टेस्टी। और एप्पल देखें ज़मीन पर पड़े हुए, इस तरह एप्पल पड़े हुए हैं। इस गर्दू में वीट भी अवेलेबल है, ये देखें वीट की पूरी यहाँ पर, ये फर्टिलाइज़ वगैरह का सिस्टम है यहाँ पे। ये देखें ये पीछे खुबानी का ये दरख्त है और पीछे एप्पल भी है। जब भी इस गर्दू आएँ आप खूब इंजॉय करें खुबानी को, एप्रिकॉट एप्पल खूब इंजॉय करें। और इतनी टेस्टी है, दिखाना ज़रा एक दिखाना ज़रा, ये वाला इसका अलग ही मतलब, जो हम जो सिटीज़ में मतलब हमारे पास जो आती है उसका ये टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रेश प्योर और ये विदाउट, मतलब प्योर ऑर्गेनिक है ये। हर तरफ आपको खुबानी की और सेब के, आपका भी निकला खूबसूरत बनता है माशाल्लाह। नाम बताइए अपना पहले। शान बल्ती सर। शान बल्ती। जी जी जी। शान बल्ती भाई हैं ये, सर्दू में ही होते हैं। और अपर कचूरा पे जो है, अपर कचूरा पे जो है ना भाई का एक गरीब खाना है एडवेंचर गाजी रिजोर्ट के नाम से। ठीक है, आप लोग जब भी आए हमारे पास ही आए। ठीक है, कहीं नहीं जाए, बस यहीं पर आ जाए, खुबानी खाए, अंडे खाए, पराठा खाए। ये देखे यहाँ पर शहतूत भी है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम तो ये देखें आप, ये व्यू देखें जरा, स्कर्दू का व्यू देखें। अपर कचूरा लेक के करीब ही है ये भी, यहाँ हमारी गाड़ियाँ वगैरह पार्क हुई हुई, तो ये पूरा एरिया है। और इतनी ज़बरदस्त यहाँ के दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, फ्रूट्स वाले तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी जो नॉर्मल दरख्त हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और वीट भी यहाँ पर अभी अवेलेबल है, ये देखें इसकी फसल भी है। ये हम जो सबसे ज़्यादा ड्रीम डेस्टिनेशन है शंग्रीला, ये वो है। ये भी हम इसके गेट पर खड़े हैं, इसका टिकट भी है, उसके बाद फिर एंट्री होती है, एंट्रेंस है। ये शंग्रीला लेक जो है वो बहुत फेमस है, स्कर्दू में सबसे ज़्यादा जो देखा जाने वाला पॉइंट है वो शंग्रीला लेक है। ये अभी मैं एंटर हुआ हूँ शंग्रीला लेक पर। ये जो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मतलब व्यू पॉइंट कह लें आप, बेस्ट लेक कह लें, बेस्ट डेस्टिनेशन कह लें आप स्कर्दू में, वो शंग्रीला है। ये है वो। जो टिकट है वो 500 पर हेड है, और वो इसके अलावा SOPs को यहाँ पे थोड़ा फॉलो करना पड़ रहा है आपको। कुछ डेस्टिनेशन पे तो मैंने SOPs देखी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर है। ये इसका व्यू है।
पे आपको जो दिखा रहा हूँ ये ओरिएंट स्काईलाइनर जो लिखा हुआ है, ये पीआईए का जब पहले जो नाम था वो ओरिएंट स्काईलाइनर था। ये या तो जहाज़ क्रैश हुआ था स्कर्दू में या कुछ ख़राबी हुई थी, तो इसको फिर उन्होंने यहाँ पर एक तरह से एक वो रेस्टोरेंट टाइप का बना दिया, तो वो भी यहाँ पर उन्होंने लगा दिया। इसके अलावा इसका जो लुक है वो तो खैर अमेजिंग है ही। शंगरीला इज़ द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान स्पेशली फॉर टूरिज़्म। ये बहुत खूबसूरत ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ है शंगरीला लेक पे, और ये जो टच है ना बिल्कुल चाइनीज़ जो उनके वो होते हैं, क्या कहते हैं चाइनीज़ के जो सम प्लेसेस होते हैं वो, चाहे जापनीज़ भी और चाइनीज़ भी, इस तरह के हाउसेज हैं ये। इन्होंने शेप जो दिया हुआ है वो चाइनीज़ और जापनीज़ शेप में दिया हुआ है, क्योंकि मॉनेस्ट्रीज वगैरह भी होती हैं। इसके अलावा चर्चेज वगैरह जो इनके होते हैं वो स्टाइल। ये देखें, वेलकम टू स्कर्दू, टूरिज्म कैपिटल ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान। यानी इसको जो है